ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सुबह आशा कॉटरिंग के यहाँ पर एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया है, क्या है आपके पास इसके बारे में जानकारी? देखिए, कैंप नंबर एक बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड जो है वो, उनके बाजू में आशा कोल्ड्रिंक करके एक दुकान है। उस दुकान का कुछ बोलते मरम्मत कर रहे थे इलीगली, ऐसा मालूम पड़ा। उन्होंने कोई मरम्मत करने का ना एप्लीकेशन दिया है कॉरपोरेशन में, ना कोई वहाँ से परमिशन ली है, लेकिन वहाँ पे जो लोग सेटर का और कुछ आगे बारिश के इसमें जो शेड डाल रहे थे, ऐसी जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार वहाँ पे काम करने वाले लोग है वो वहाँ पे से इंजर्ड हुए हैं। उसमें से अभी अभी मालूम पड़ा है कि एक ही आदमी काफ़ी सीरियस था, लेकिन उसके बारे में अभी तक सेंट्रल हॉस्पिटल से जो उनको वहाँ पे भर्ती किया गया, हमारे फायर ब्रिगेड की तरफ से, उल्लासनगर महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड और फायर जो इंचार्ज है मिस्टर बाला साहब नेट के और हमारे कर्मी सभी वहाँ पे गए, और जो अंदर कुछ लोग 3 या 4 लोग अटके हुए थे, शटर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो उनको शटर कट करके गैस कटर से वो निकाला, और वो जो जख्मी लोग थे, इंजर्ड थे, उनको सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। भी कुछ बेकानून नियम भाई ये काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो इलीगल स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, उसकी परमिशन लेना कॉरपोरेशन की तरफ से अनिवार्य है, लेकिन ऐसे में लोग मरम्मत करते और ऐसे हादसे होते तो उसके ऊपर ज़रूर कानूनन कार्रवाई संबंधित पुलिस स्टेशन करेगा। यदि वहाँ पे कुछ दुर्घटना घटी होगी तो काम पुलिस करेगी, और बाकी जो काम है अदर्स तो महानगर पालिका की तरफ से यदि न्यू स्ट्रक्चर होगा तो MRTP दखल की जाएगी, और अन्य कानून कार्रवाई है वो भी संबंधित प्रभाग के जो सहायक आयुक्त है वो अब करेंगे नियम के तहत। तो सर, वो एक इमारत का हिस्सा है, वो इमारत कुछ पहले से ही धोखादायक घोषित की गई थी या डेंजर जोन में थी, ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं नहीं, देखो वही इमारत के सामने उसकी उसी ओनर की एक सामने ही उनके सामने एक इमारत थी, वो ऑलरेडी धोखादायक थी, तो उन्होंने वो लोगों ने खुद ओके डिमोलिश किया, और अभी उसका ग्राउंड फ्लोर अभी भी आपको दिखाई देगा उधर। बाकी इसके बारे में वो धोखादायक में थी या नहीं थी, इसकी पक्की जानकारी अभी मुझे नहीं है। मुझे अधिकृत रीत्या प्रभाग समिति एक के जो सहायक आयुक्त है उनसे मुझे लेनी पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।